नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 24 जनवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने जो बाय सेल लेवल इनसाइड दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100 EMA मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक पैटर्न NR4 NR7 जो दिखा था उसका भी लेवल आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और इस ये जो एक्सेल फाइल है बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया है उसका यूट्यूब वीडियो का आप लोग को फाइल सैम्पल फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा, वो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन भी आप लोग जरूर देखिए। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटेजी टेक्निक्स है, उसका आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोग को वो देख के आप लोग को ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें मैंने रेगुलर बेसिस पे फाइल शेयर करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी का लेवल दिखाता हूँ, तो उसका भी आप लोग को आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, तो ये यार कल देखिए लगातार ये 3 दिन से लॉन्ग बिल्ड सॉरी बुलिश कैंडल सॉरी बियरी स्कैंडल तैयार किया था। उसके बाद चार्ट का सेटअप में भी थोड़ा सा नीचे जाने का इंडिकेट किया था, तो नीचे थोड़ा सा जाके ये सपोर्ट लिया 12095 तक नीचे गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है और ये थोड़ा सा बुलिश रिवर्सल जैसा कैंडल बनाया हुआ है, इसको बुलिश हरामी जैसा कैंडल भी बोल सकता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो देखना पड़ेगा इसका कौन सा लेवल पे आने के लिए इट्टेस हो सकता है। मैंने लेवल आपको दे दूंगा, तो अभी इधर भी एक बार देख लेते हैं। इधर देखिए इधर इसको जाने के लिए एटलीस्ट 223-224 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ये 300 का आसपास आ सकता है। और नीचे आने के लिए इसको एटलीस्ट 11,000 नीचे आएगा तो 11,960 में सपोर्ट ले सकता है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। और इधर आप लोग को इधर से मेरा फाइल से भी दिखा देता हूँ, मैंने ये फाइल ऑलरेडी अपडेट करके रखा है। देखिए इधर जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है फर्स्टली, तो आप लोग इधर से देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का वन डे का हिसाब से इनसाइड दबा रहा है, वन डे का हिसाब से इनसाइड दबा रहा है, मतलब ये जो लेवल ब्रेक होगा इसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट दे सकता है, वो मूवमेंट बड़ा होगा। उसके बाद NR4 NR7 भी है, उसके NR4 है और NR7 भी है। उसके बाद यहाँ देखिए सेकआउट का पैटर्न बना है, ये थोड़ा सा बियरिश जैसा कैंडल है। इधर देखिए बुलिश रिवर्सल जो लिखा है, इधर देखिए बैंक निफ्टी का दिखा रहा है बुलिश रिवर्सल, और इधर देखिए ये जो बुलिश हरामी जो है इधर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बन रहा है। तो देख ये कैंडल पैटर्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, ये बैंक निफ्टी पैटर्न कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन दिखाता है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इधर रिवर्सल होने का चांसेस है। और इसके बाद निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, इधर भी रिवर्सल पैटर्न बना है, इधर बुलिश रिवर्स आर्मी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इनसाइड दबा रही है। तो देख लेते हैं इधर इसका जब हाई लो कौन सा ब्रेक होता है, जब अगला दिन हाई लो ब्रेक होगा तो जाके पता चलेगा कौन सा साइड में ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो इधर लेकिन रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने देखूंगा तो इधर इसका BCR रेशियो 1.39 है, मतलब ये मैंने सॉरी 30 जून लगा सॉरी जनवरी लगा रहा हूँ, 30 जनवरी का इसका 1.39 इसका PCR रेशियो है, 12,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है। इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इधर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, मतलब इधर शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है कॉल साइड में, और इधर 12,300 में रजिस्टर बनाया सपोर्ट फुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मैंने 12,100 ही पकड़ता हूँ और 12,000 पकड़ूंगा तो इधर 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 भी देख सकते हैं, लेकिन इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इधर कॉल अर्निंग फुट अर्निंग और भी कुछ हो सकता है, तो इधर रिवर्सल होने का चांसेस ज़्यादा है।
रिवर्सल हो सकता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बना है। और इधर 30 जनवरी का जो देखता हूँ, 30 जनवरी का इधर 0.85 इसका मतलब पीसीआर रेशियो है ऑल साइड में। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 33,500 में रजिस्टेंस बना है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर 33,500 में इसका शॉर्ट पुट साइड में सपोर्ट है, इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो पुट अनविंडिंग और भी ज़्यादा हो सकता है, और इसके लिए इधर ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इधर जो प्रॉबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ 7 दिन का हिसाब से इस परी का, इधर नीचे आने का प्रॉबिलिटी दिखाई दे रहा है, मतलब ये अभी थोड़ा सा रिट्रेस होके नीचे वापिस नीचे आने का प्रॉबिलिटी ऐसे ही लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल भी रात में दिखा दूंगा, बाय सेल लेवल, इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी सब दिखाऊंगा, तो उस टाइम निफ्टी का निफ्टी का भी लेवल दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो तब तक के लिए।